मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 2. सम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज अ चैरिटी शो टू कलेक्ट मनी फॉर द ब्लाइंड स्कूल. द टोटल कलेक्शन ऑफ मनी वॉज 21,250. द कॉस्ट ऑफ वन टिकट फॉर द शो इज ₹25. हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड? वी हैव टू टेक आउट हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड इन टोटल. सो कॉस्ट ऑफ वन टिकट इज 25. टोटल मनी कलेक्टेड कितना है? 21,250. सो वी हैव टू टेक आउट टोटल टिकट सोल्ड. हाउ विल वी फाइंड आउट टोटल टिकट सोल्ड? टोटल मनी कलेक्टेड माइनस कॉस्ट ऑफ वन टिकट विल बी टोटल टिकट सोल्ड. सो 21,250 डिवाइडेड बाई 25. सो 25 is a 2-digit number, so we will take first 2-digit, but it is smaller than 25, so we will take first 3 digits. Okay, so 25 ka table, let's see. 25 fours are 100, 25 eights are 200. So 212 minus 200 will be 12. Now we will bring down 5 because it is less than 25. So 25 fives are 125. So we get 0 after subtracting it, but we are left with 10. यहाँ पे एक 0 बच गया है, तो उसको भी हम नीचे लेके आ जाएंगे. It is, we cannot divide it with 25, so here we will write 0. Don't forget to write this 0, otherwise your division will be incorrect. ये जो जीरो बच गया है इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको नीचे लेके आओ. 25 से डिविजिबल नहीं हो सकता ये जीरो. यहाँ पे जीरो है, 25 से डिविजिबल नहीं है, इट इज़ लेस देन 25, सो वी विल राइट जीरो हेयर. ओके स्टूडेंट्स, सो द टोटल टिकट सोल्ड आर 850. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज 17,745 kgs rice was distributed equally among families of a village. If each family get 35 kgs of rice, how many families are there in a village? So total rice इतना distribute किया है सारी families में, हर family को 35 kgs rice मिला है. So how many families were there? We have to find out. Rice received by each family is 35 kgs. Total rice distributed 17,745. So number of families कैसे निकलेंगे? Total rice distributed minus each family, the rice received by each family. 17,745 divided by 35. 2-digit number है, first 2 लेने हैं हमें, but 17 is less than 35, so we will take 3 digits. सो वी विल टेक 177. नाउ 35 को हमें 177 को 35 से डिवाइड करना है, बट वी डोंट नो द टेबल ऑफ 35. वट विल वी डू? वी विल काउंट 35 अप टिल 17 और अ नंबर लेस देन 17. 17 तो नहीं आता, तो 3 फोर्स आर 12, 3 threes are 15, 3 sixes are 18. 18 is greater than 17, so we will count one less. 3 fives are 15, so we'll take 35 into 5. 5 fives are 25, 15, 16, 17. So 35 fives are 175, which is less than 177. Now let's subtract. We get 2. We'll bring down 4, but still the number is less than 35. अभी भी छोटा है, so हम एक और number को नीचे लेके आएंगे. It becomes 245. Again we will count up till 24 in the table of 3. 3 हाँ, बट हमारा यहाँ से नंबर ये छोटा था एक उतारने के बाद, सो वी विल राइट जीरो हेयर. 2 विल ब्रिंग डाउन 4, बट स्टिल दिस नंबर इज स्मॉलर देन 35, सो विल ब्रिंग डाउन दिस नंबर, बट बिफोर दैट वी विल राइट जीरो.
इस नंबर को लाने से पहले, बिकॉज दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 35, देयरफॉर वी विल राइट 0 हेयर. वी विल ब्रिंग डाउन 5. सो किस टेबल में आएगा? 5 6 18, विच इज वे लेस. 5 7 24, सो 35 7 245, which is exactly divisible. So there are 507 families in the village, 507 families in the village. Now let's move to the question number 4. The product of two numbers is 26,520. One of them is 408. Find the other number. दो numbers का product कितना है? 26,520. एक number क्या है? 408. Other number we have to find out. कैसे निकालेंगे? क्योंकि product था. So the product of two numbers divided by one number. 408. Three digit number है तो three digits लेने हमें. But थ्री डिजिट्स जो है, फर्स्ट थ्री डिजिट, इट इज लेस देन दिस नंबर, सो वी हैव टू टेक द फोर्थ डिजिट ऑल्सो. सो वील राइट 0 हेयर. आगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सो वी विल डिवाइड फर्स्ट फोर डिजिट्स. अगेन 4 को हम काउंट करेंगे. 4 4 24. 4 4 16. 4 5 is 20, way less. 4 6 is 24. Okay, now let's take 4 0 8 6 6 8 is 48 0 4, so it comes as 2448. Now let's subtract it. We get 204. Now we are left with 0. We'll bring down 0 since 204 is not divisible by 408. So we'll bring down 0. Now 408. कैसे चेक करेंगे? 4 5 20. फर्स्ट टू नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू 20. सो वी विल 408 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 408 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे. इट इज़ टोटली डिविजिबल बाय 408. सो 408 5 2040, वी गेट 0 ईयर over here. So the other number is 65. Now let's discuss question number 5. How many minutes are there in 3600 seconds? हमें निकालना है कि 3600 seconds में कितने minutes होते हैं. So we know 1 minute is equal to 60 seconds. एक मिनट में 60 seconds होते हैं. तो 3600 seconds में कितने minutes होंगे? We will divide 3600 with 60. So we'll get the number of minutes. 3600 divided by 60, again 60 का टेबल नहीं आता. सो वट विल वी डू? इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे जब तक ये नंबर ना जाए. इसका टेबल काउंट करेंगे जब तक ये नंबर ना जाए. 6 5 30, 6 6 36, सो वी गेट 36. 3600 करेंगे विल गेट 0. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 0 हेयर. वी आर लेफ्ट विद 0, सो उसको नीचे लेके आएंगे. 0 इज लेस देन 60, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. सो वी विल राइट 0 हेयर. सो वी हैव 3600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स. एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर 4830 स्टूडेंट्स एट अ स्कूल. इफ ईच क्लासरूम हैज 35 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी क्लासरूम्स आर देयर? तो कितनी क्लासरूम्स हैं, वी हैव टू फाइंड आउट. टोटल स्टूडेंट्स हैं 4830. हर क्लास पे 35 स्टूडेंट्स हैं, तो हाउ मैनी क्लासेज आर देयर, वी हैव टू फाइंड आउट. हाउ विल वी डू डू इट?
4830 divided by 35. So this question you have to do on your own. Have a good day, students.